जो हमारे यूट्यूबर भैया वीडियो बना रहे हैं, आप देखो वीडियो अभी तुरंत दो तीन मोबाइल चोरी पुलिस वाले आ गए। अभी इनका फोन लेके चला गया होता, ध्यान ना करने देते। ये गाड़ी हर पांच दिन पे एक ना एक बार धोखा देती देती है भाई। तो आज रात का ये रहा खाना, जिसको भाई साहब बोल रहे अंडा पानी, जो कि हम लोग ऑर्डर दिए अंडा कड़ी, और ये रहा रोटी जो हर जगह मिलता है। अंडा पानी ना कि अंडा कड़ी है? अंडा कड़ी है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ अंडा पानी। अंडा कड़ी है ये देखें, रोटी का शेप देखें। ये रोटी 10 रुपये का एक पीस। गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूँ मैं आपका नए से व्लॉग में। आज हम लोगों का चौथा दिन है और अभी तक हम लोग इंदौर के अंदर में ही हैं और गुडाउन के बिल्कुल अंदर में, समझ लें ये गुडाउन और इसको कंपनी भी बोल सकते हैं, और हम लोगों की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। इंदौर के अंदर में इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है कि गाड़ी के अंदर में रहना इम्पॉसिबल है। तो अभी हम लोग जो है, ये गार्ड साहब का रूम है यहाँ पर, इसी के अंदर में खाना मंगवाए, खाना बनवाए और गार्ड साहब को पटा लिए, और खाना मस्त बन गया, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और देखते हैं क्या सब बनाए खाएंगे। और आज संडे का दिन है, तो संडे के दिन में जो है किसी भी कंपनी या किसी भी गोडाउन के अंदर में आपकी एंट्री नहीं हो सकती, तो हम लोग बाहर ही मतलब सुबह से ही खड़े, 7 बजे से खड़े। आज हो सकता है कि हम लोगों की गाड़ी लोडिंग के लिए रात में कहीं जाए, और लोडिंग कहाँ का होता है क्या होता है वो आपको दिखाते हैं। बाकी अभी हम लोग खाना कम्प्लीट करते हैं। इसी से सब नहाता भी है, वॉशरूम भी जाता है, चार दिन रुकने के बाद हम लोग को जो है लोडिंग का कॉल आ गया, और अभी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से 50 किलोमीटर जो है जाना पड़ेगा लोडिंग करने के लिए। अब लोडिंग कहाँ का है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि 100% में से 90% उम्मीद है कि दिल्ली का ही होगा, दिल्ली का ही होगा 90% उम्मीद है। अब चलते हैं लोडिंग वाले जगह पे, और वहाँ का लोकेशन क्या रहता है, वहाँ भी खाना पीना मिलता है या नहीं वो तो जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप लोगों ने देखा था, हम लोग जब बाल्टी से पानी निकाल रहे थे, इतने बड़े गोडाउन में कोई सिस्टम नहीं था, पानी जमा करके पानी स्टोर करने के बाद बाल्टी से पानी निकालो, वॉशरूम जाओ, नहाओ, जो करना है करो, ऐसा ही सिस्टम था इतने बड़े गोडाउन में। बाकी सफर एकदम आसान हो गया। अब हम लोग कंटिन्यू चलेंगे 50 किलोमीटर। आज संडे, इसीलिए सुपर बाइक बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये देखें, ये सब कंपनी एरिया है, गोडाउन एरिया है, जो दूर दूर तक जो कंपनी दिख रहा है। मौसम एकदम सुहाना हो रहा है। तो हम लोग इंदौर के अंदर में जा रहे हैं प्रीतमपुर, देखते हैं कितना खूबसूरत है, नाम तो अच्छा है, काम कैसा है वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। इंदौर से बाहर 50 किलोमीटर, इंदौर से 50 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं, जो जगह का नाम है प्रीतमपुर। कंटिन्यू करते हैं, इंदौर से बाहर थोड़ा सा निकले 25 किलोमीटर के आसपास, पूरा जो है कैंप एरिया दिख रहा है। ये खूबसूरती का नज़ारा, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा होटल उटल है। तो जैसे ही इंदौर से बाहर निकले हम, बारिश जो है अपना पीछा पकड़ लिया, और आज हम लोग जो है इस वाले होटल में रुकने वाले हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ नाम मेंशन कर रखा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये रहा नाम, और ये रहा गाड़ी। और आज क्या मिलेगा, सबसे पहले हम नहाने का जुगाड़ करते हैं, अभी नहा लेंगे, नेक्स्ट टाइम मिले ना मिले। ये रहा होटल, इसी में आज हम लोगों का खाना पीना होगा, यहाँ वॉशरूम में चलते हैं। तो आज हम लोग बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, तो आज हम लोगों का खाना रात का होने वाला है। खाने में जो है रोटी, और इसका नाम पता नहीं क्या है, ये इसका नाम ही नहीं पता, अभी भाई साहब से पूछना पड़ेगा। नाम क्या था इसका, क्या नाम था, इसको क्या बोलते हैं? भिंडी मसाला इसको बोलते हैं, भिंडी मसाला रोटी। और ये तो देखो, हमारे यूट्यूबर भैया वीडियो बना रहे हैं, आप देखो वीडियो, अभी तुरंत लॉन्च होगी वीडियो आपके पास, ठीक है। भिंडी मसाला बोलते हैं इसको, भिंडी मसाला, चलो फिर इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये है भिंडी मसाला। तो फाइनली हम लोगों का खाना हो गया, इंदौर के अंदर में इतना मस्त बारिश हो रहा है,
ये चेक करें बिजली चमक रहा है, कितना भयानक बिजली चमक रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। इस आवाज को थोड़ा गौर से सुने, ये रात का समय है, 10 बज रहा है अभी। कभी आप लोग बचपने में ये आवाज सुने होंगे? जी फिर आज सुन रहे हैं। हाँ। इतनी तेज आवाज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है पिछले एक घंटे से, और हम लोगों की गाड़ी बस 20 मीटर की दूरी पे, लेकिन जा नहीं सकते इसलिए कि भीग जाएंगे। गुड मॉर्निंग, रात में तो आपने देखा था बारिश इतनी तेज हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को 20 मीटर की दूरी पे आने के लिए सोचना पड़ रहा था। ये होटल का जो है कॉर्नर है और ये गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन इतना पास आने के लिए भी इतना मतलब बारिश हो रहा था कि सोचना पड़ रहा था, आधा घंटा से ज़्यादा वहीं बैठना पड़ा। बाकी हम लोग जिस होटल पे रुके थे, ये उस होटल का पार्किंग है, जो कि सुबह सुबह धूप निकल गया, रात में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये सामने से अभी आपको जाके दिखाते, बट बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है तो नहीं दिखाएंगे। और फाइनली हम लोगों की गाड़ी का जो है लोडिंग का आ गया है, इंदौर से दिल्ली के लिए लोड होगा गाड़ी। अब क्या लोड होगा, किस कंपनी से लोड होगा, कंपनी यहाँ से 22 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके फिर देखेंगे क्या लोड हो रहा नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। अपनी गाड़ी का जो है बैटरी बिल्कुल डेड हो गया है, तो अब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो है बैटरी लाना पड़ेगा, जो कि बैटरी के लिए जो है किसी मैकेनिक को भाई फ़ोन किए, लेकिन अब तक वो आधा घंटा बोल के सुबह 7:30 से 9 बजा दिया, लेकिन अब तक नहीं आया बैटरी लेके। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले करना होगा कि बैटरी में पानी डालने के लिए पानी लाना होगा, तो उसके लिए यहाँ से बोतल उठाना होगा, ये रहा बोतल, और वहाँ रहा वॉशरूम, वहाँ से पानी लेकर आना होगा। चलो सब करना पड़ता है लाइफ में, सब ज़रूरी है। यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं उदास होकर। ये आ गया बैटरी वाला, अब ये गाड़ी स्टार्ट करेगा और हम लोगों की गाड़ी जो है अब चलेगी आगे की तरफ। 10 मिनट बोल के लगभग 2.5 घंटे के बाद आ रहे हैं भाई साहब। चलो अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी हर 5 दिन पे एक ना एक बार धोखा देती ही देती है भाई, इसका बैटरी में प्रॉब्लम है। हो गई स्टार्ट, बस इतना स्टार्ट करने के लिए ये बैटरी लेकर आए भाई साहब, और इस 1 मिनट में 300 रुपये लेके जा रहे हैं। ऐसा काम सीखना चाहिए हर किसी को, 300 रुपये में बस स्टार्ट करना और इनको कुछ नहीं करना। अब ये बैटरी लेके नीचे आ जाएंगे और हम लोग अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे। फिर हम लोगों का ट्रांसपोर्ट जो है वो फ़ोन भी कर दिया है, 22 किलोमीटर है यहाँ से पहुँचना है, माल लोड होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 1 मिनट लगा, भाई साहब आ गए, इनका 300 रुपये बन गया। चलो अब हम लोग जो सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ये है बैटरी हम लोगों की, जो कि बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी, डेड हो गई थी, और ये बैटरी इनकी है जो कि 300 रुपये कमा के दे रही है। ये बैटरी ऐसी है कि 300 रुपये कमा के जा रही है। हम जिस लोकेशन से गुजर रहे हैं, इस लोकेशन में एसर कंपनी का ट्रक न जाने कितने एकड़ में है, और बिल्कुल सब नई गाड़ी सब है। ये देखिए वहाँ से यहाँ तक अभी तक पूरा ट्रक ही ट्रक दिख रहा है, अभी भी एंड नहीं हुआ है। ये देखिए इतना ट्रक है एक साथ, वो भी न्यू, अब जाकर एंड हुआ। तो आज फिर से हम लोगों की छुट्टी हो गई भाई साहब, लोकेशन देख के ही बोल दिए चाय वाय का भी जुगाड़ नहीं होगा। लोकेशन देखो, लोकेशन खंडर में कंपनी होता है, तो ऐसी जगह पे खाना कहाँ मिलेगा खाने के लिए, दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा है, कंपनी दिख रहा, गुडाउन दिख रहा है। मतलब कि आज फिर से हम लोगों को ठंडा पानी या फिर बिस्किट खा के गुजारा करना पड़ेगा, होप कि आगे कुछ मिल जाए, बट अब तक कुछ नहीं दिख रहा है। चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। अब देखो क्या मिलता है नहीं मिलता आज के डेट में। चलो 110% कन्फर्म हो गया, ये कंपनी है, और यहाँ से रुई का गत्ता लोड होगा अपनी गाड़ी पे। अब अंदर में जाके देखते हैं रुई का गत्ता होता है कैसा है। भाई साहब बोले कि जो रुई तकिया में भरा जाता है वो वाला नहीं है, आगे पता करके।